द फ्रेश ब्लॉग, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहा है और हम अभी सिसई में हैं। देखिए, हम अभी सिसई कॉलेज के पास है। गाइस, मेरे पीछे सिसई कॉलेज है। हम भी पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं। और इधर पीछे चल रहा है मैच, हॉकी मैच चल रहा है पीछे। तो लोग मैच देखने नहीं आए हैं, ना ही कॉलेज विजिट करने के लिए। वो तो ऐसे ही, मतलब लोग भरनों लौट रहे थे तो बीच में यहाँ पे एक फ्रेंड कॉल किए, इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड कॉल किए, हम लोग रुक गए यहाँ पे। तो वही अभी घूम रहे हैं इधर कॉलेज। पहली बार हम यहाँ आए तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं कॉलेज। तो इधर है पुराना बिल्डिंग है और पीछे इधर है न्यू बिल्डिंग बनाया है। और इधर पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं अपने दोस्त लोग के साथ। गाइस, अभी हम थोड़ा सा सामने आ गए हैं कॉलेज के और यहाँ पे झंडा फहराया गया है। गाइस, आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज हम लोग का आज़ादी का 75 ईयर्स पूरा हो गया है, 75 साल, आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं हम लोग। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। तो आज बहुत चहल पहल है। हम तो अभी घर से निकले तब लग रहा है कि हाँ बहुत चहल पहल, मतलब घर के अंदर तो एक बारिश हो रहा था, अभी निकले तो इतना चहल पहल देखने को मिल रहा है। और हम तो फ्लैग होस्टिंग भी देखने नहीं गए सुबह में। अभी हम लोग भरनों लौटने के लिए निकले तो यहाँ कॉलेज के पास आए, यहाँ मैच चल रहा है। तो वही बाहर बहुत चहल पहल है, घर के अंदर रहो तो एकदम शांति था। अभी मौसम भी थोड़ा ठीक कर दिया, वरना सुबह से सिटीर सिटीर पानी हल्का हल्का हो ही रहा था। बहुत अच्छा मौसम कर दिया है, अभी सुबह के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है। तो पीछे गाइस वो न्यू पीजी कॉलेज है, मतलब पीजी बिल्डिंग बोलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। और इधर तो पता नहीं क्या है, इधर होगा पुराना बिल्डिंग है तो ग्रेजुएशन का होगा और प्लस टू का होगा, पता नहीं है हमको ठीक से। आप लोग अगर यहाँ से अगर देख रहे हो मेरे व्लॉग्स तो कमेंट करके बताइएगा इस बिल्डिंग में कौन कौन से क्लासेस है। कॉलेज का एरिया शुरू यहाँ से होता है और इधर 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 मेन बिल्डिंग, फिर इधर जो दिख रहा है एक बीच में यहाँ पे ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है सर। फिर इधर तो अभी नया बना है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। और यहाँ पे कॉलेज कैंटीन लिखा हुआ है, खाने पीने का मिलता होगा यहाँ पे। तो ये है पूरा कॉलेज, सरकारी कॉलेज। सो गाइस, देखिए यहाँ का नज़ारा, कुछ मैच देखने के लिए कितना भीड़ है यहाँ पे। गाइज, अब हम लोग अपने मेन डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। ये एक छोटा सा ब्लॉग था जो कि इत्तेफाक से बन गया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो चलिए गाइस मिलते हैं इस ब्लॉग के सेकंड पार्ट में, जिसमें आपको झारखंड का एक ऐतिहासिक स्थान देखने को मिलेगा। तब के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।